अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को सलाम और वेलकम जी। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद कपास जो हमने बोई थी वो करंट हो गई है, और करंट किसे कहते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और करंट इस व्हील के ज़रिए किस तरह तोड़ा जाता है, यानी करंट उसे हम कहते हैं कि बारिश के बाद ज़मीन का ऊपर वाली तह जो है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, क्योंकि बारिश के बाद जब धूप लगती है तो ज़मीन खुश्क हो जाती है, ऊपर जो तय होती है ख़ास तौर पे जो ज़मीन होती है ना पक्की ज़मीनों में या मैरा ज़मीनों में, ये तय बन जाती है ऊपर से। ये देखें, इसके नीचे बीज जो बोया होता है वो बाहर नहीं निकल सकता, ऊपर तय जो है वो सख्त हो जाती है। ये उसके करंट को तोड़ने के लिए ये लकड़ी का व्हील है, ये देखें, इस व्हील के लकड़ी के व्हील के ऊपर ये जो कील लगाए जाते हैं, इस तरह तरतीब से कील लगाए जाते हैं, और फिर ये कील जो है ये देखें सारे के ऊपर कील लगे हुए हैं, ये कील उस तय को तोड़ते चले जाते हैं। अभी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ, जब इस व्हील को मैं चलाता हूँ ये देखें, ये देखें इस तरह इसको चलाते हैं, इस नाली के अंदर यानी इस सलाट के अंदर अंदर इसको चलाना होता है। ये देखें ऊपर वाली जो सख्त है उसको इस तरह से ये भुरभुरा कर देता है, ये देखें नाली के अंदर अंदर इस तरह इसको चलाते जाना है आपने, और जो ज़मीन को भुरभुरा करता जाएगा। ये देखें जी, ये ज़मीन के ऊपर वाली तह जो है ये सख्त हो गई है, इसको इस तरह से जब तोड़ेंगे तो नीचे से जो छोटे कपास के पौधे, ये देखें ये पौधा आप देख रहे हैं, ये भी निकलने वाला था, तो ये गीली ज़मीन जो है ये सामने ये जब खुश्क हो जाएगी तो ये बमुश्किल से निकल सकेगा, या फिर ये नीचे ही दोहरा हो जाएगा, तो करंट से ये बड़ी आसानी से बाहर निकलेगा। ये एक और पौधा ये देखें, ये निकलने की कोशिश कर रहा है इस स्टेज पे जो हो, और ये पीछे जो आप ज़मीन देख रहे हैं सारी, ये सारी हार्ड हो चुकी है, इसको जब ये देखें कितनी हार्ड है, ये देखें ये भी निकल रहा है अभी, इसको जब करंट को इस तरह हम तोड़ देंगे व्हील के ज़रिए तो ये बआसानी एक दो दिन के अंदर ही बाहर निकलेगा। और इस व्हील का फ़ायदा ये है कि ये देखें सामने इसके जो पौधे हैं ये उसके ऊपर से भी गुजर जाएगा तो पौधे ठीक ही रहेंगे, ये देखें ये व्हील का ये फ़ायदा है, इस तरह इसको चलाते जाएं और सलाट के अंदर ही कोशिश करें जहाँ पे आपने बीज बोया है, सलाट से बाहर व्हील ना चले, क्योंकि जहाँ पे बीज ने उगना है उस सलाट के अंदर अंदर इसको चलाएं। ये पीछे जो मैंने ये सारा करंट तोड़ लिया, ये सारा करंट मैंने तोड़ लिया है, ये देखते जाएं। ये सारा करंट मैंने तोड़ लिया इस वक्त,